Today we will do exercise number 4. This is also a part of your homework. And the homeworks that I have checked, I have noticed that many students have made some mistakes in the homework. So as I am doing this, all right. So the point here is that today we will do exercise number 4. Exercise number 4 of this page 88. Open your books, all of you. First, open your English literature workbook, page 88. And I want you all to have your pencils in your hand so that when we will be doing the exercise, you will be writing it with pencil in your book so that you can easily learn it later on. Anyways, so this is page number 88 in your English literature workbook. This is exercise that is also a part of your homework that you are some of you have already submitted. Very few of you have submitted, otherwise. All right. Now this exercise, replace the word fine in each sentence with a word or words which give a similar meaning. Ab aap dekh sakte hain ki there are some words in English that are used very frequently. Jinko bahut hi zyada istemal kiya jata hai. Jaise good, bahut hi zyada istemal kiya jata hai. Mukhtalif sentences mein bahut zyada istemal kiya jata hai. Ahmed Ali, do you want to say something? वालेकुम सलाम बेटे. टीचर वो आपने कहा था मैं आपको कल वो करवा दूंगी. वो सब्जेक्टिव रह गया था मेरा. क्या रह गया? जो वो ऑब्जेक्टिव जो आपने उसके एमसीक्यूज के बाद करवाया था. वोकैबुलरी एंड यूसेज पेज 49 एंड पेज 50. अच्छा ये मैं आपको अभी मैं ये एक्सरसाइज करा रही हूँ. अभी आप पेज नंबर 88 निकालें और ये वाली एक्सरसाइज हमारे साथ करें. बाकी काम फिर हम बाद में देखेंगे. ओके ओके ऑलराइट. नाउ द पॉइंट इज दैट देयर आर फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश दैट आर यूज्ड वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली. ओके सो हमें क्या करना है. अब जैसे उनमें से एक वर्ड है गुड, उनमें से वर्ड है फाइन, वेल, ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. हमने क्या करना है, वी हैव फ्यू सेंटेंसेस और इन सब सेंटेंसेस में एक वर्ड आया जिसको जो के है क्या, फाइन. ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने इस फाइन को हटा के इसकी जगह एक दूसरा वर्ड लगाना है. बट वी हैव टू मेक श्योर दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज. ये इस तरह से लगाना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी वर्ड लगा देना है, बल्कि कोई ऐसा वर्ड लगाना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए. अब देखें, पहला सेंटेंस है इट वॉज फाइन दिस मॉर्निंग. इट वॉज फाइन दिस मॉर्निंग मीन्स दैट द वेदर वॉज वेरी गुड दिस मॉर्निंग. ठीक है, अब आप ये तो नहीं कह सकते इट वॉज वेरी हॉट दिस मॉर्निंग. वेरी हॉट जो है वो अच्छा मौसम तो नहीं होता. हमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है. वी हैव टू मेक श्योर दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द इम्प्रेशन ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम. So it was fine this morning. अब fine को हटा के हमने क्या लगाया है, it was pleasant this morning. In place of fine we have written pleasant. Pleasant का मतलब भी होता है खुशगवार, अच्छा मौसम. So it means that हमने क्या किया, fine को हटा के हमने लगा दिया pleasant. And the rest of the things, बाकी का जो sentence है it remains the same, उसमें कोई change नहीं. ठीक है, लुक एट नंबर 2. वी हैड अ फाइन टाइम एट हिज हाउस लास्ट इवनिंग. फाइन टाइम मींस अ गुड टाइम, अ हैप्पी टाइम, अ प्लेजेंट टाइम, एंजॉयबल टाइम. ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, फाइन को हटा के क्या लगाया, गुड लगाया. वी हैड अ गुड टाइम एट हिज हाउस लास्ट इवनिंग. गुड की जगह आप एंजॉयबल भी लगा सकते हैं, मेमोरेबल भी लगा सकते हैं. इसके अलावा आप ओके, लुक एट नंबर 3. शी सेज दैट शी फील्स फाइन. फील्स फाइन मतलब
उसकी तबीयत बेहतर है, वो अब बेहतर है, ठीक है ना, उसकी तबीयत ठीक है. तो हमने क्या लिखा, शी सेज दैट शी फील्स, यहां तक तो कोई चेंज नहीं है. फाइन की जगह हमने लगा दिया बेटर. नाउ इन प्लेस ऑफ बेटर शी फील्स वेल भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है, ठीक है. तो ये आपने इसको लगाना है, ठीक है जी. नंबर फोर, दे हैड अ फाइन व्यू फ्रॉम देयर विंडो. फाइन व्यू मीन्स ब्यूटिफुल व्यू, खूबसूरत मंजर, उनकी विंडो से जो मंजर नजर आता है वो बहुत खूबसूरत है. सो हमने क्या किया, फाइन की जगह लगाया यहाँ वंडरफुल. वंडरफुल के बजाय अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ब्यूटिफुल भी हो सकता है. तो दे हैड अ वंडरफुल व्यू फ्रॉम देयर विंडो, दे हैड एन अट्रैक्टिव व्यू फ्रॉम देयर विंडो, दे हैड अ ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम देयर विंडो, कुछ भी हो सकता है. नंबर फाइव, शी थिंक्स दैट ही विल ग्रो अप टू बी अ फाइन यंग मैन. फाइन यंग मैन मीन्स अ गुड पर्सन, अ गुड यंग मैन, अ नाइस यंग मैन, काइंड यंग मैन, कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है. तो हमने क्या लिखा है, शी थिंक्स दैट ही विल ग्रो अप टू बी अ नाइस यंग मैन, ठीक है जी. अ नाइस यंग मैन, यू कैन राइट फाइन यंग मैन, हैंडसम यंग मैन भी हो सकता है, हैंडसम भी ठीक है इसके लिए. ही सेड दैट हर फाइन क्लोथ्स वुड नॉट सूट द ओकेशन. नाउ फाइन क्लोथ्स मीन्स फैंसी क्लोथ्स, फैशनेबल क्लोथ्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स. फाइन क्लोथ्स मतलब बहुत अच्छे कपड़े, ठीक है ना. ही सेड दैट हर, अब फाइन की जगह मैंने यहाँ लिखा है फैशनेबल, यू कैन राइट एक्सपेंसिव, यू कैन राइट फैंसी. तो कलरफुल कुछ भी इस तरह का हो सकता है. तो ही सेड दैट हर फैशनेबल क्लोथ्स वुड नॉट सूट द ओकेजन. ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे फर्ज करें कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं कॉन्डोलेंस के लिए, तो ऑब्वियसली यू वियर सिंपल क्लोथ्स. अगर आप बहुत फैंसी कपड़े पहन के चले जाएंगे तो वो उस ओकेजन को बिल्कुल सूट नहीं करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से गलत होंगे. ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेवन, ही टोल्ड हर दैट द अरेंजमेंट्स वुड सूट हिम फाइन. उसने बताया कि अरेंजमेंट्स जो इंतजामात हैं वो उसे बिल्कुल सही लग रहे हैं, सूट हिम फाइन. अब मैंने फाइन की जगह लगा दिया है वेल, ठीक है. ही टोल्ड हर दैट द अरेंजमेंट्स वुड सूट हिम वेल, ठीक है. He told her that the arrangements would suit him well. Okay, now next sentence. I hate to say it, but that's a fine excuse. Fine excuse means के कोई ऐसा बहाना जिस जो रिलायबल है, जिस पर यकीन किया जा सकता है. तो इसमें क्या है, I hate to say it remains the same, but that's a good excuse. Fine की जगह मैंने लगाया good excuse, या reliable excuse भी हो सकता है, बिलीवेबल एक्सक्यूज भी हो सकता है. तो आप देर आर अदर ऑप्शन ऑल्सो, मगर ये चीज जो है ये ठीक है जी. आई होप यू ऑल हैव डन दिस एक्सरसाइज विद मी. ऑल दोज हु हैव डन प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन. ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, वी हैव डन द वोकैबुलरी एंड यूसेज एक्सरसाइजेस. नाउ वी विल कम टू पेज 76. ओपन योर पेज 76 इन योर बुक, पेज 76 इन योर बुक, सेम बुक, इंग्लिश लिटरेचर वर्कबुक. Page 76. Okay, this is the exercise of your novel.
Now fill in the blanks to complete the story. It is like as if you are writing, क्योंकि आपने देखा है कि इस story में आप character sketch लिखेंगे Prince Hamlet का, you are not writing the summary of the story. तो summary हम किस तरह से लिखेंगे? In form of blanks. So इसको आप साथ साथ fill करते जाएंगे. Okay. Hamlet was the prince of Denmark. He was a quiet, make sure this is quiet, quiet, thoughtful young man. He was a quiet, thoughtful young man who studied in the university in Wittenberg. Wittenberg, capital W, Wittenberg, Wittenberg. But his life suddenly changed when his father, the king of Denmark, ये इसका blank थोड़ा छोटा है, तो आप लोग इसको manage करें, थोड़ा सा छोटा करके लिखें. The king of Denmark died. Hamlet loved his father very much, so he became terribly upset. So he became terribly upset. Sad भी हो सकता है. He became even more upset when his mother, Queen Gertrude, आपने खाली Gertrude नहीं लिखना है, आपने लिखना है Queen Gertrude. He became even more upset when his mother, Queen Gertrude, married his uncle Claudius. Be careful about the spellings. Claudius. C-L-A-U-D-I-U-S. Claudius. Compared to the old king, Claudius was a foolish, ugly man. Compared to the old king, Claudius was a foolish, ugly man. Hamlet never accepted him as his father. One night, the castle guards saw the king's ghost. क्या देखा था castle guards ने? King's ghost. King का ghost देखा था. King's ghost. Hamlet's best friend, Horatio. Hamlet's best friend, Horatio, H-O-R-A-T-I-O, told him about it. Hamlet talked to the ghost the following night, and he came to know that the king's death was in fact a murder. He came to know that the king's death was in fact a murder committed by Claudius. He poured poison in king's ears. When he was asleep in the garden. Okay. He poured poison in king's ears when he was asleep in the garden. The ghost ordered him to take revenge, of his murder so that he could find peace. Peace, P-E-A-C-E, peace, sukoon, and go to heaven. The ghost ordered him to take revenge of his murder so that he could find peace and go to heaven. Hamlet decided to take revenge. After that, he started
pretending to be mad. He started pretending to be mad. उसने क्या pretend करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो पागल हो गया. Claudius and Gertrude were very upset. Claudius and Gertrude were very upset at his strange behavior. Claudius and Gertrude बहुत upset थे उसके strange, अजीब behavior पर, बहुत परेशान थे. They asked an old and trusted minister, Polonius. Polonius is P-O-L-O-N-I-U-S. P-O-L-O-N-I-U-S, Polonius, to discover the cause of his strange behavior. He told them that Hamlet loved his daughter, Ophelia. O-P-H-E-L-I-A. Ophelia. O-P-H-E-L-I-A. And he was behaving mad because she was not seeing her anymore. Polonius ने बताया that Hamlet loved his daughter Ophelia, और अब Ophelia क्योंकि उससे मिलती नहीं है तो शायद वो इस वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है. Hamlet asked a group of wandering actors, actors, A-C-T-O-R-S, actors, to act a play called The Murder of Gonzago. बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स लिखने हैं. The Murder of Gonzago, G-O-N-Z-A-G-O, Gonzago. He made a few changes in the story so that it looked like the actual. उसने स्टोरी में कुछ चेंजेस किए ताकि वो बिल्कुल कैसे लगने लगे, एक्चुअल किंग्स मर्डर, सो दैट इट लुक लाइक द एक्चुअल किंग्स मर्डर, वो किंग के मर्डर की तरह लगने लगा. हेमलेट ऑब्जर्व्ड दैट क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड बिकेम, हेमलेट ने क्या नोटिस किया, दैट क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड बिकेम वेरी अपसेट टू वॉच द प्ले. हेमलेट ने नोटिस किया कि क्लॉडियस और गर्ट्रूड इस प्ले को देख के बहुत अपसेट हो गए थे. हेमलेट ऑब्जर्व दैट क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड बिकेम वेरी अपसेट टू वॉच द प्ले. गर्ट्रूड आस्क्ड हेमलेट द रीजन ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर. गर्ट्रूड आफ्टर द प्ले, रिमेम्बर द क्वीन, शी कॉल्ड हेमलेट टू हर रूम बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो द रीजन ऑफ हिज बिहेवियर, द रीजन ऑफ हिज मैडनेस एंड strange behavior. So Gertrude asked Hamlet the reason of his strange behavior, but he blamed her for everything that happened. Lekin kya hua, wo usse pooch rahi thi, but Hamlet said that everything that is going on is all because of the queen. He was blaming his mother for everything bad that was happening around. He killed Polonius, who was hiding behind the curtain. उसी दौरान में क्या हुआ था, रिमेम्बर पोलोनियस वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, सो हेमलेट थॉट दैट मे बी इट वॉज क्लॉडियस हु वॉज हाइडिंग एंड लिसनिंग टू देयर टॉक्स, सो ही किल्ड पोलोनियस हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन. ही टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज फादर्स मर्डर. वहां पर वो अपनी मदर को अपने फादर के मर्डर के बारे में बताता है. ही टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज फादर्स मर्डर, but she did not believe. मगर उसने इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया. She thought that maybe वो जो भी कह रहा है वो गलत है. Claudius asked Hamlet to leave for England. Claudius ने क्या किया, he asked Hamlet to leave for England. उसने, क्लॉडियस ने हेमलेट से कहा कि ही शुड गो टू इंग्लैंड एंड सेंट अ लेटर टू किंग ऑफ इंग्लैंड. कम ऑन, टर्न टू नेक्स्ट पेज नाउ, अगले पेज पे आ जाए सब लोग. ओके, एंड देन ही सेंट
अ लेटर, पेज 77 निकालने बेटे। इसके बाद जब उसने पोलोनियस का मर्डर कर दिया तो क्लॉडियस ने फौरन हेमलेट से क्या कहा कि ही शुड गो टू इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड चला जाए। सो दैट ही प्रिटेंडेड, इस तरह उसने प्रिटेंड किया कि ही वांटेड टू सेव हेमलेट फ्रॉम द रिवेंज ऑफ पोलोनियस फैमिली। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि एंड सेंट अ लेटर टू किंग ऑफ इंग्लैंड टू किल हेमलेट। उसने एक लेटर किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम साथ में भेजा और उसमें क्या लिखा था कि किंग हेमलेट को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, एज ही वॉज डेंजरस, बिकॉज ही सेड दैट हेमलेट वॉज अ डेंजरस पर्सन, ही हैज बिकम मैड, सो ही शुड बी किल्ड। तो क्या लेटर में था, लेटर टू किंग ऑफ इंग्लैंड टू किल हेमलेट एज ही वॉज डेंजरस। हेमलेट चेंज्ड द लेटर, द शिप वॉज अटैक्ड बाय पायरेट्स, द शिप वॉज अटैक्ड बाय पायरेट्स। पायरेट्स की स्पेलिंग्स देखें बेटा, PIRATES, पायरेट्स। बट हेमलेट फॉट ब्रेवली एंड सेल्ड बैक टू डेनमार्क। पायरेट्स ने अटैक कर दिया शिप पे, मगर हेमलेट ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया एंड सेल्ड बैक टू डेनमार्क। और पायरेट्स ने डिसाइड किया था, रिमेम्बर, दैट दे विल टेक हेमलेट बैक टू डेनमार्क, बिकॉज व्हेन दे केम टू नो दैट ही इज अ प्रिंस, सो दे थॉट दैट दे शुड सेल हिम बैक टू हिज होम। तो सेल्ड बैक टू डेनमार्क, एज ही वॉज रिटर्निंग टू द पैलेस, जब वो अपने पैलेस को वापस जा रहा था, he saw the funeral of Ophelia. Funeral, 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 funeral. He saw the funeral of Ophelia. He was terribly sad at her death. Obviously, he was very sad at her death. उसकी मौत पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था. Ophelia's brother Laertes, spellings देखे बेटे, Laertes, 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 Ophelia's brother Laertes, blamed Hamlet for the death of his father and sister. उसने ब्लेम किया हेमलेट को फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर पोलोनियस ऑब्वियसली एंड सिस्टर ओफेलिया। ही वाज डिटरमिन्ड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हेमलेट, डिटरमिन्ड पक्का इरादा करना, उसने बिल्कुल सोच लिया था, प्लान कर लिया था टू टेक रिवेंज, बदला लेना फ्रॉम हेमलेट, कि वो हेमलेट से इस बात का बदला लेगा। Laertes challenged Hamlet to a friendly sword fight. Laertes ने क्या चैलेंज किया था हेमलेट को, a friendly sword fight. Sword fight, तलवारबाजी का मुकाबला, sword fight. Full stop. Claudius encouraged him and they made a plan to kill Hamlet. और इस चैलेंज में उसको कौन इनकरेज कर रहा था, क्लॉडियस। क्लॉडियस इनकरेज्ड हिम, ही मेड अ प्लान विद लेरेटस सो दैट हेमलेट कुड बी किल्ड। क्लॉडियस इनकरेज्ड हिम एंड दे मेड अ प्लान टू किल हेमलेट। ऑन द डे ऑफ द फाइट लेरेटस यूज्ड अ शार्प स्वॉर्ड। जिस दिन फाइट थी, लेटस ने क्या यूज किया, ही यूज्ड अ शार्प स्वॉर्ड इंस्टेड ऑफ अ ब्लंट वन। उसने एक शार्प स्वॉर्ड यूज की ब्लंट स्वॉर्ड के बजाय, इंस्टेड मींस बजाय, शार्प स्वॉर्ड, ही यूज्ड अ शार्प स्वॉर्ड इंस्टेड ऑफ अ ब्लंट वन। ही पुट पॉइजन ऑन हिज स्वॉर्ड टू मेक हेमलेट्स डेथ सर्टन, सर्टन मींस श्योर, to make sure that Hamlet dies in any case. Kisi bhi keemat pe, they want Hamlet's death.
उसने क्या किया कि अपनी शार्प स्वॉर्ड के ऊपर पॉइजन लगा लिया. ही पुट पॉइजन ऑन हिज स्वॉर्ड टू मेक हेमलेट्स डेथ सर्टेन. क्लॉडियस हैड टू बॉल्स ऑफ वाइन ऑन द टेबल. W-I-N-E, wine. Claudius had two balls of wine on the table. One of them contained poison in it. One of them contained poison in it. उसमें से एक जो बाउल था उसके अंदर पॉइजन था. Before the fight began, Hamlet apologized from letters. Before the fight began, Hamlet apologized. Apologized means he said sorry. Usne maafi mangi. Hamlet apologized from Laertes for all the unhappiness, dukh, for all the unhappiness he had caused him. Yani ke उसने माफी मांगी उन तमाम दुखों के लिए जो लेटर्स को उसकी वजह से मिले थे. अनहैप्पीनेस ही हैड कॉज्ड हिम. ड्यूरिंग द फाइट गर्ट्रूड ड्रैंक द पॉइजन वाइन. रिमेम्बर जब वो पॉइजन वाइन जो कि हेमलेट के लिए रखी थी क्लॉडियस ने, वो किसने पी ली थी? गर्ट्रूड ने. ड्यूरिंग द फाइट गर्ट्रूड ड्रैंक द पॉइजन वाइन एंड डाइड. Laertes cut Hamlet with his sharp poisoned sword. Laertes ने Hamlet को cut लगा दिया with his, उसकी sword कैसी थी? Sharp थी और poisoned थी. So Laertes cut Hamlet with his sharp poisoned sword. Hamlet seized का मतलब है पकड़ लेना, जोर से झपट लेना. Seized his sword and cut him also. As he realized that he was about to die, अब जैसे ही हेमलेट को ये पता चला कि वो मरने वाला है, he cut Claudius' arm with the poison sword. उसने Claudius की बाजू पे कट लगा दिया अपनी poison sword से. He also made him drink the poisoned wine. इसके अलावा उसने उसको पकड़ के वो poison wine भी पिला दी जो बॉल में पड़ी हुई थी. He also made him drink the poisoned wine, full stop. At the end, Hamlet also died, but he commanded Horatio. वो end में Hamlet की भी death हो जाती है, लेकिन he commanded Horatio, अपने friend को उसने क्या command दी थी, order दिया था, to tell the truth to the world after his death. उसने उसको क्या ऑर्डर दिया था कि वो पूरा सच जो है वो पूरी दुनिया को बता दे. बिकॉज हेमलेट वॉज अबाउट टू डाई, ही वोंट बी एबल टू टेल द ट्रूथ टू द पीपल. सो ही ऑर्डर्ड होरेशियो टू टेल द ट्रूथ टू द पीपल सो दैट दे शुड नो हु वाज इनोसेंट एंड हु वाज गिल्टी. ऑलराइट, आई होप यू हैव ऑल कंप्लीटेड दीज ब्लैंक्स. ऑलराइट, नाउ if you people have any questions, अभी तक exercise के लिए आपके पास अगर कोई भी question है तो please ask now.